गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर इंग्लिश वर्क फ्रॉम माय इंग्लिश रीडर. टुडे अवर चैप्टर नंबर 14. द नेम ऑफ द लेसन इज लेट्स ड्रॉ. लेट्स ड्रॉ में आपका सिर्फ ये एक रीडिंग का पोर्शन है जिसको आपने रीड करना है और ड्रॉ करना है. इसमें आपके न्यू वर्ड्स भी नहीं हैं और ना ही इसका कोई बुक वर्क वगैरह है, तो सिर्फ आपने इसको रीड आउट करना है. जैसे लेट्स ड्रॉ का मतलब है कि आओ हम कुछ ड्रॉ करें. जैसे आप अपनी ड्राइंग की फाइल में कुछ ड्रॉ करते हैं, ऐसे ये बेबी है, देखिए आप, इसने अपनी इमेजिनेशन में, आप ऊपर देख सकते हैं, घर को ड्रॉ किया है. मतलब उसकी इमेजिनेशन में क्या है कि मैं कैसे ड्रॉ करूँगी. जैसे आप भी अपनी पसंद का ड्रॉ करते हैं ना अपनी ड्राइंग फाइल पे, तो इस बच्चे ने भी अपना ड्रॉ किया है. तो अब हम इसको रीडिंग करेंगे और फिर उसके बाद इसका जो ये काम है देखते हैं कि इसने क्या करना है. तो इसने कैसे ड्रॉ किया है अपनी इमेजिनेशन को, माइंड में थॉट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये ड्रॉ कर रहे हैं. तो उसने क्या क्या किया है देखिए. ऑन माई ड्राॅइंग फाइल आई कैन ड्रॉ वन लिटल हाउस विद वन ग्रीन डोर. ऑन माई ड्राॅइंग फाइल आई कैन ड्रॉ वन लिटल हाउस विद वन ग्रीन डोर, टू ब्राउन गेट्स that open wide, three red steps that lead inside, two brown gates that open wide, three red steps that lead inside, four little chimneys painted white, five little windows shining bright, four little chimneys painted white, five little windows shining bright, six yellow flowers straight and tall growing up against the wall, six yellow flowers straight and tall growing up against the wall. तो इसमें अपनी ड्राइंग फाइल में वो एक घर को ड्रॉ कर दिया, तो उसमें ये बताया है उसने कि उसका डोर कौन से कलर का होना चाहिए, इसके गेट्स कितने होंगे, कौन से कलर के होंगे और किस साइड खुलेंगे. उसके बाद उसका ओपन वाइड का मतलब ये चौड़े चौड़े होंगे, बड़े बड़े होंगे. उसके बाद तीन स्टेप, जैसे आप चढ़ने के लिए सीढ़ी का यूज़ करते हैं क्योंकि घरों के आगे बनी होती है, तो इसने रेड स्टेप बनाए हैं. लीड इनसाइड अंदर की ओर, फोर लिटल चिमनीज दैट पेंटेड वाइट, तो साइडों में उसने चिमनी भी बनाई है कि उसमें कौन से कलर दिया है वाइट. आप भी अपनी पसंद के कलर फिल करते हैं ना, तो इस बच्चे की इमेजिनेशन में भी आप ऊपर देख सकते हैं कि उसने जो जो बोला है वो ऊपर इसने ड्रॉ किया है. उसके बाद उसने बोला है कि रेड येलो फ्लावर्स स्ट्रेट एंड टॉल, तो उसने क्या बोला है कि येलो फ्लावर्स भी होंगे जो बड़े बड़े होंगे और स्ट्रेट सीधे जा रहे होंगे, ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल, दीवार के साथ साथ ऊपर ऊपर ये चलते ही जाएंगे. तो इसकी अपनी इमेजिनेशन है, ये अपने घर को कैसे ड्रॉ कर सकती हैं. देखिए आप, इसने कलर भी यूज़ किए हैं ऊपर. तो ऐसे ही आपने क्या करना है कि डिड यू एंजॉय द पोइम, क्या आपको पोइम अच्छी लगी. इस पोइम को आपने इकट्ठे पढ़ना है, सिर्फ रीडिंग करनी है और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करनी है पोइम की तरह. तो इसमें फिर से ऐसे पढ़ना है आपने. ऑन माई ड्राॅइंग फाइल आई कैन ड्रॉ वन लिटल हाउस विथ वन ग्रीन डोर, टू ब्राउन गेट्स दैट ओपन वाइड, थ्री रेड स्टेप दैट लीड इनसाइड, फोर लिटल चिमनीज पेंटेड वाइट, फाइव लिटल विंडो शाइनिंग ब्राइट, सिक्स येलो फ्लावर्स स्ट्रेट एंड टॉल ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल. तो आपको ये पोइम अच्छी लगी होगी, अब बच्चे की इमेजिनेशन अच्छी लगी. नाउ ड्रॉ अ पिक्चर एज डिस्क्राइब इन द पोइम. अब जैसे पोइम में बताया गया है, जैसे उसको बताया है, उस तरह से पोइम के अकॉर्डिंग आपने ये जो स्पेस दिया है पेज नंबर 60 पर नीचे, इसमें आपने अपनी इमेजिनेशन से जो ऊपर ऊपर बताया है वो आपने यहाँ पर नीचे ड्रॉ कर लेना है और कलर उसको फिल करने हैं उसके अकॉर्डिंग. बस आपका यही काम है, इसका नोटबुक के ऊपर कोई भी काम नहीं है. तो आपने ये कंप्लीट करना है. तो इसके बाद ही आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया. इसके बाद हम आगे काम करेंगे. ओके, थैंक यू बेटा.